जरूरी नहीं कि मिठाई बनाने में घंटों बिताए जाएं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही टेस्टी और बहुत ही आसान मिठाई की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर लें और हम झटपट से 5 मिनट में मिठाई बना लेते हैं। झटपट मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं ले रही हूँ 2 पैकेट बिस्किट्स। मैं यहाँ हाइड एंड सीक के बिस्किट्स इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन आप चाहें तो ये स्पेशल मिठाई आप अपने पसंद के बिस्किट्स डालकर भी बना सकते हैं। इन्हें इस तरह छोटे टुकड़ों में तोड़ लें ताकि बिस्किट्स बड़ी आसानी से ग्राइंड हो जाएं। अब मुझे इन्हें ग्राइंड करना है, जिसके लिए बिस्किट्स को एक ग्राइंडिंग जार में डालें। इन्हें ग्राइंड होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ये झटपट से ग्राइंड होकर तैयार हैं। ये देखिए इनका कितना फाइन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब ग्राइंड किए हुए बिस्किट्स को एक बाउल में शिफ्ट कर लें। अगर बिस्किट्स का कोई बड़ा पीस रह जाए तो उसे हाथ से क्रश कर दें, या फिर आप छन्नी का इस्तेमाल करके इसे छान भी सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर और 1/4 कप टुकड़ों में काटे हुए काजू डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। अब मुझे इसका डो बनाना है, जिसके लिए मैं इसमें दूध डालकर इसे गूंथ लूंगी। दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि हमें इसका टाइट डो तैयार करना है। इस झटपट मिठाई में मैंने बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि बिस्किट्स और मिल्क पाउडर में पहले से ही काफी मीठा है। लेकिन अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। चीनी भी ग्राइंड करके डालें, दूध आप उसी हिसाब से डालें ताकि डो टाइट बनकर तैयार हो। तो लीजिए, झटपट मिठाई बनाने के लिए डो बनकर तैयार है। अब हमें इनकी शेप्स बनानी है, जिसके लिए एक नींबू के साइज का पेड़ा हाथों में लें और इसे इस तरह सबसे आसान गोल शेप का बना लें। इसे हाथों से हल्का सा दबा दें और मिठाई की परफेक्ट शेप बनकर तैयार है। इसी तरह सारे मिक्सचर की शेप्स बनाकर तैयार कर लें। ये देखिए सारे मिक्सचर की स्वीट्स बनकर तैयार हैं। मैंने इसे सबसे आसान गोल शेप का बनाया है, आप इसे किसी भी शेप का बना सकते हैं। डो टाइट होने के कारण इन्हें कोई भी शेप देने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इस 5 मिनट में बन जाने वाली इजीएस्ट मिठाई रेसिपी में मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स वही इस्तेमाल किए हैं जो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे ही और इजी रेसिपीज देखने के लिए अभी मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर लें।